लुकिंग है लेकिन छोटी गाड़ी है, स्वाइप लेफ्ट। गुड लुकिंग है और इसके पास ऑडी है, स्वाइप राइट। ओह नो, ये वाला तो बीएमडब्ल्यू वाला है, स्वाइप राइट। देखिए ऐसा मैं नहीं, लेकिन जब भी डेटिंग ऐप में उर्फी जावेद किसी लड़के के साथ डेट पर जाती है तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल पर वो चेक करती है कि आखिर उसके पास कौन सी गाड़ी है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है। ये सब देखने के बाद ही उर्फी जावेद उस बंदे को टेक्स्ट करती है और उसके साथ डेट पर जाती है। अब आप कहेंगे कि उर्फी जावेद ने क्या मुझे खुद बताया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जियो सिनेमा पर हाल ही में एक बहुत ही मजेदार शो आया है जिसका नाम है स्वाइप राइट। इसे होस्ट कर रही है कॉमेडियन कुशा कपिला। उनके साथ वो हमेशा बैक सीट पर कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेस ले लेती है और फ्रंट सीट पर वो किसी इन्फ्लुएंसर को अपने साथ रख लेती है। अब इस पूरी राइड का कॉन्सेप्ट ये है कि इन्फ्लुएंसर ने किसी को डेटिंग ऐप में स्वाइप राइट किया है, किसी लड़के या लड़की को। अब ये तीनों जाते हैं बातें करते हुए कि आखिर वो लड़कों में क्या देखती है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और इस तरह की बातें होती है। अब हाल ही के एपिसोड में जो मैंने देखा है वो है उर्फी जावेद वाला, जो कि बहुत ही मजेदार है और इससे मैंने कुछ जेंजी वाले वर्ड्स भी सीखे हैं जैसे रिज और ग्रीगेरियस। हाँ, आप भी जरूर सीख सकते हैं। तो देखिए इसमें कुशा कपिला उर्फी जावेद से पहले पूछते हैं कि उर्फी कभी आपने कोई डेटिंग शेटिंग ऐप यूज किया है, आपको जरूरत पड़ी है? तो उर्फी जावेद अपने बेबाक अंदाज में कहती है कि मैंने टिंडर इतना ज्यादा यूज किया है जितना इस पृथ्वी में मौजूद किसी लड़के या लड़की ने नहीं किया होगा। फिर आगे तो और खास चीज बताती है, वो कहती है अगर मैं किसी लड़के के साथ डेट पर जाती हूँ तो सबसे पहले वाला जो क्राइटेरिया है वो है कि उसके पास महंगी गाड़ी जरूर होनी चाहिए, कितना हो कि वो मुझे 5-स्टार होटल में बैठ कर मेरे से बात कर सके। मुझे थोड़े किसी के साथ कैफे वैफे में छोटे मोटे में जाना है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे 5-स्टार मिले जाए, उसके पास महंगी कार हो। और तीसरी चीज, उर्फी हमेशा रिसर्च के साथ जाती है। मतलब चलिए आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो तो आपने भाई बहन मम्मी पापा यही तक हम पता लगाते हैं ना, लेकिन उर्फी जावेद पहुंच जाती है दादा दादी चाचा चाची, उन्हें सब जाना है और इसी के बाद वो लड़के के साथ डेट पर जाती है। और उर्फी जावेद ने तो खुद बताया कि इस डेटिंग ऐप के जरिए उर्फी जावेद इतने लड़कों के साथ डेट पर जा चुकी हैं जिनकी कोई नंबरिंग अब उन्हें पता नहीं है, मतलब वो अनगिनत भी हो सकते हैं या जितने भी हो सकते हैं। तो उर्फी जावेद का ये जो बेबाक नेचर है वो बहुत ही मजेदार था। चलिए ये तो रही पुरानी बातें, लेकिन अब उर्फी जावेद उन्हीं लड़कों को डेट करती हैं जो रिस्पेक्ट और लॉयल हो। उर्फी जावेद ने कहा कि पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे और जो मुझे रिस्पेक्ट करे, और लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिल पाया। तो उर्फी जावेद जरूर उसकी तलाश में है। अब आपको ये लगे कि उर्फी जावेद आपके पैसे से पट जाएंगी आपके कार कलेक्शन को देखकर, तो ये रही पुरानी बातें, आपको होना पड़ेगा रिस्पेक्टफुल और लॉयल, फिर उसके बाद शायद आप उर्फी जावेद को पिंग जरूर कर सकते हैं। आप भी अगर किसी लड़के या लड़की को डेट करते तो आपका भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है क्या? गुड लुकिंग हो, कार कलेक्शन हो या उसकी ये आदतें हो, तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, एंटरटेनमेंट किसी तरह मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ENT Live।